बुझी भलो बुझी पारनते तो हाँ ठीक है ठीक अच्छी थी, ठीक अच्छी थी. तो ये जिस प्रकार के जिस प्रकार की हिंसा की घटनाएं यहाँ हो रही हैं जिस प्रकार के संतरास का एक राज टीएमसी में चल रहा है उसको तो उस पूरे देश भर में भर्सना की जा रही है और मैं इनके उदाहरण पर नहीं जा रहा हूँ मैं ये इनको पूछना चाहता हूँ आज ये कह रहे हैं कि चुनाव में प्रार्थी घोषणा होने के बाद ये सब हो रहा है मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ जब ये जेपी नड्डा जी पर जो 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 योजनाबद्ध आक्रमण हुआ जिस प्रकार की उन पर उनके कारकेड पर उन पत्थर फेंके गए उन पर जानलेवा हमला हुए तो ये क्या उस समय कोई प्रार्थी का घोषणा हुआ था जिस प्रकार की कैलाश विजयवर्गीय पर आक्रमण हुए जिस प्रकार के लकेट चाचा पर आक्रमण हुए जिस प्रकार के तमाम भाजपा के जो नेता आते हैं उन पर जो आक्रमण होता है जिस प्रकार की भय के वातावरण पूरे राज्य में है ये क्या ये क्या बीजेपी प्रार्थ, का प्रार्थी घोषणा का नतीजा है या ये टीएमसी का जो कल्चर है जो संस्कार है जो टी का जो कल्चर है उसी का एक नतीजा है आज हम नंदीग्राम नंदीग्राम आज नहीं नंदीग्राम से जब से ये टीएमसी का शासन आया है तब से किसी का सबका जीना हराम हो गया है वहाँ कोई आदमी छह बजे के बाद चल नहीं सकता और जिस प्रकार के वहाँ के केंद्रीय मंत्रियों पर बार बार हमलाएं हो रहे हैं जिस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं क्या ये सब भाजपा के जो कैंडिडेट लिस्ट घोषणा होने के बाद ये हुआ है जो वहाँ पर वहाँ पर जिस प्रकार के योजनाबद्ध तरीके से एक योजना के अनुसार टीएमसी लोगों ने बार बार यहाँ पर आक्रमण किया है आज केंद्र मंत्री पर आक्रमण किया एवं तमाम नेताओं पर हमला करते हैं तो ये टीएमसी का जो हारने का जो हताशा का मनोबल है वहाँ पर ममता दी खुद लड़ रही है आज ही उनको हताशा इसलिए है कि आगे अपना जो हार दिख रहा है उनको हारते हुए देख जो नजर आ रहा है अपना हा, हार नजर आ रहा है उस वजह से ये आज टीएमसी की तरफ से ये जो रिएक्शन आ रहा है केंद्रीय मंत्री पर हमला करना जनरल सेक्रेटरी पर हमला करना भाजपा के नेताओं पर हमला करना कार, कार्यकर्ताओं पर हमला करना बमबाजी करना ये छुराबाजी करना कल यहाँ पर भी हुआ है आप ये क्या बात करें नंदीग्राम नंदी नंदीग्राम का मैं इस समय मैं कान्ती में, में हूँ यहाँ से एक नजदीक का एक विधानसभा है उत्तर कांती में वहाँ भाजा चावली जो एक जगह है वहां पर जिस प्रकार के कल के घटना हुए वहां के नेता फिर जाकर रात में पुलिस स्टेशन पर धरना देना पड़ा वहां पर छुराबाजी हुई पंद्रह से ज्यादा लोगों पर पत्थरबाजी हुई उनके घर जला दिए गए ये क्या सब भाजपा के लोग कर रहे हैं यो किस लिए करेंगे